तो बड़ी खबरों की शुरुआत शुरू कर चुके हैं हम। भारत में प्रभु श्री राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। सुबह की शुरुआत ही हमारे यहाँ राम राम से होती है और जीवन की अंतिम यात्रा भी राम के नाम से ही खत्म होती है। खैर, हमारे यहाँ सियासत भी राम के नाम से अछूती नहीं है। तमाम दल राम के नाम का इस्तेमाल करते हैं, भरपूर करते हैं, पर होता क्या है? होई वही जो राम रची राखा। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ की पहचान भगवान श्री राम के ननिहाल की है। मान्यता है कि श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण ने 12 साल छत्तीसगढ़ में बिताए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संकल्पना पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल वैश्विक पर्यटन क्षेत्रों का विस्तार करने जा रहा है। जिन जगहों पर भगवान श्री राम आए थे, ऐसे 75 जगहों की पहचान कर वैश्विक पर्यटन के अनुरूप विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ शासन लगभग 133,55,00,000 रुपए की लागत से इन क्षेत्रों में पर्यटन के विकास का कार्य सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर लगातार कर रही है। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी राम वन गमन पथ परियोजना के तहत शिवरी नारायण में विकास भव्य तरीके से किया गया है। राम वन गमन पथ के साथ ही छत्तीसगढ़ की सियासत भी कहीं ना कहीं गर्मा गई है। बीजेपी के पूर्व मंत्री विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की भूपेश सरकार पर शिवरी नारायण धाम के लोकार्पण पर 4,69,00,000 खर्च करने पर सवाल उठा दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर राम के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से उनका मुद्दा छीन लिया और मैं राम वन गमन पथ बनवा रहा हूं करके। ये एक पहला राज्य है जो राम के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार करती है राम के नाम पर। एक उदाहरण मैं आप सबको बता देता हूँ। 2022 में शिवरी नारायण में आयोजित राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत हुए विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह इस नाम से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें जो खर्च आया वो 4,69,55,273 रुपये था। मेरे ख्याल से किसी कार्यक्रम में देश भर में इतनी राशि उद्घाटन समारोह में व्यय की गई, ये सबसे ज्यादा होने का एक उदाहरण है। तो 4,69,55,273 रुपये उद्घाटन के किन किन कार्यक्रमों में विषयों में व्यय हुए, ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को बताना चाहिए। ऐसा खुला भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा, राम के नाम पर तो बिल्कुल नहीं देखा। और राम भगवान के नाम पर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको एक दिन जेल जरूर जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भाजपा। तो वही दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने पलटवार करते हुए बीजेपी को श्रीराम विरोधी बता दिया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा महज श्रीराम का नाम वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल करती है। पिछले 15 सालों में बीजेपी को श्रीराम की याद नहीं आई और अब जब कांग्रेस की भूपेश सरकार भगवान श्रीराम के अस्तित्व को संजोने का काम कर रही है, तब बीजेपी खिसियाई बिल्ली की तरह व्यवहार कर रही है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर का बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ करता है। 15 साल में राम वन वन पथ का ध्यान नहीं दिया गया, माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया गया और सलमान खान और करीना कपूर के पीछे करोड़ों रुपए उड़ाने वाले भाजपा के लोग आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से खर्च की गई राशि पर घोटाला का आरोप लगा रहे हैं। दुर्भाग्यजनक है, यही भाजपा का राम विरोधी होने का प्रमाण है। वो भाजपा जो हमेशा राम जी के नाम से राजनीति करती है, चंदा लेती है, वोट लेती है और देश की जनता को गुमराह करती है। निर्मोही अखाड़ा ने भाजपा के ऊपर 1400 करोड़ रुपए का चंदा में हेरा फेरा करने का आरोप लगाया है। तो भाजपा का चरित्र है राम जी के नाम से राजनीति करने का और कांग्रेस राम जी की सेवा कर रही है, तब उसे भाजपा के पेट में डर। तो बहरहाल छत्तीसगढ़ में चुनावी दंगल के साथ अब धर्म के नाम पर राजनीति करने के काम से राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेकने का काम शुरू कर चुकी है। कांग्रेस ने भगवान श्री राम के ननिहाल को संजोने का काम कर जनता को धर्म की सौगात देने का काम किया है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कर वाह वाही लूटने की कोशिश कर रही है। अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता श्री राम के नाम पर आशीर्वाद के रूप में किसकी झोली में मतों की बौछार कर देती है। यह देखने वाली बात प्रभु श्री राम की हो रही है, प्रभु श्री राम के नाम की हो रही है, जो तमाम सियासी दल अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से महेश जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से अजय गंगवानी जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का रफ्तार मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो मेरा सवाल है
वो कांग्रेस के लिए है, अजय जी आपके लिए है। आप लोगों पर बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि आप लोगों ने कभी प्रभु श्रीराम का नाम नहीं लिया, और जब प्रभु श्रीराम का नाम लिया तो एक ही बार में भ्रष्टाचार कर दिया, उनके नाम पर 4,69,00,000 रुपए आप एक ही तरीके से बर्बाद करते चले जा रहे हैं। तो लगातार इस वक्त झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं बिना किसी सत्य और तथ्य के। देखिए कहीं ना कहीं एक बात और कहना चाहूंगा राहुल जी, आज देश के जो छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा सत्र था 114-12 बिंदुओं पे अविश्वास सत्ता लाया, दुनिया भर के घोटालों की बात की। देखिए हमने सारे प्रश्नों के पूरे मुंहतोड़ और तथ्यात्मक जवाब दिए। इनका जो अविश्वास सत्ता था औदे मुगरा पिछले साल जुलाई में भी लाया गया था, जिस पर झूठे आरोप लगाने का प्रयास करें। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है राहुल जी की कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कभी प्रभु श्रीराम के नाम पे, कभी गाय और गोबर के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे सिर्फ और सिर्फ वोटों और नोटों की राजनीति करती रही। जय श्रीराम का जो नारा है इनके लिए सिर्फ सत्ता प्राप्ति का जरिया है, जैसे ही सत्ता में आते हैं प्रभु श्रीराम को भूल जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि राहुल जी छत्तीसगढ़ जो है माता कौशल्या का मायका माना जाता है, उनकी जन्मस्थली रही। ये 15 साल रहे, क्या कभी राम मंदिर बनाने का प्रयास किया, कभी क्या माता कौशल्या के मंदिर बनाने का प्रयास किया? सिर्फ नोटों और वोटों की राजनीति के लिए प्रभु श्रीराम का प्रयोग करते रहे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो एक समय सिर्फ देश में सिर्फ 2 सीटों तक सीमित थी, सिर्फ प्रभु श्रीराम के नाम पर अपनी राजनीति चमका के आज बहुमत में बैठे हैं। लेकिन उसके बाद क्या प्रभु श्रीराम के लिए आपने कुछ प्रयास किया? सिर्फ आप कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नाम पे, कभी प्रभु श्रीराम के नाम पे, कभी गाय और गोबर के नाम पे, कभी धर्म की ठेकेदारी करने का जो प्रयास करते हैं सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए प्रभु श्रीराम का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि आप कोई सत्य कोई तथ्य है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हमने देखा कि प्रभु श्रीराम के नाम पर अयोध्या राम मंदिर के नाम पे करोड़ रुपए का चलना शुरू हो गया। आज 2 करोड़ रुपए की जमीन सिर्फ 2 घंटे के भीतर 18.5 करोड़ रजिस्ट्री करते हैं। इनके चंपत है, अन्य नेता सीधे साधे सम्मिलित है। तो प्रभु श्रीराम के नाम पे कमीशन खोरी करना, भ्रष्टाचार करना, चंदा वसूली करना और जमीन घोटाला करने का जो चरित्र है वो भारतीय जनता पार्टी का है। दूसरी बात, अब देखिए लगातार इस प्रकार के पहले भी आरोप लगते रहे, लेकिन कौन छत्तीसगढ़ का नाम घोटाला करता रहा? इंदिरा प्रदर्शनी बैंक घोटाला, 6,500 करोड़ का चिटफंड घोटाला, अगस्त हेलीकॉप्टर घोटाला, पनामा पेपर, पूर्व मुख्यमंत्री आनंद सिंह के दामाद का डीकेएस घोटाला, 4,400 करोड़ का शराब घोटाला, 1,678 करोड़ का गौशाला घोटाला, ईटर में घोटाला, मैं पूरी घोटाला की लिस्ट करूंगा। 34 घोटालों के माध्यम से राहुल जी 1,00,000 करोड़ रुपए नहीं। अजय जी बीजेपी सवाल ये कर रही है कि अमूमन कांग्रेस जो है, बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस जो है अमूमन प्रभु श्रीराम के नाम से थोड़ी दूर ही रहती है, खुद को सेकुलर दिखाने के लिए एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है प्रभु श्रीराम के नाम से। लेकिन जब प्रभु श्रीराम का नाम लिया गया, अजय जी जब प्रभु श्रीराम का नाम लिया गया, बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि आप लोगों ने भ्रष्टाचार कर दिया। एक ही इवेंट पे अकेले शिवरी नारायण में 4,69,00,000 रुपए खर्च कर दिए गए। बीजेपी पूछ रही है कि ये 4,69,00,000 रुपए गए कहां, और अकेले शिवरी नारायण में 4,69,00,000 रुपए हुआ क्या इन 4,69,00,000 रुपए का, जरा बीजेपी को अच्छे से समझा दीजिए। जी महत्वपूर्ण है, आज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में वनवास का प्रभु श्रीराम का 12 साल लगभग माना जाता है कि 12 सालों में छत्तीसगढ़ में बिताए। हमने उनकी जो स्मृतियां थी, आज के अंदर की मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, आज ये 15 साल तक सरकार में रहने कुछ नहीं किया। हमने प्रभु श्रीराम का जो सीतामढ़ी हर चौका, रामगढ़, श्रीनारायण, तुतुरिया, चंद्रकुरी, राजिम, चियावा, जगदलपुर, रामाराम, कुल मिला के हमने 75 स्थल चयनित किए जिसमें 9 स्थलों पे हुए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमने बजट में इसकी घोषणा की, हमारा जो रामगढ़ पद का बजट है 137 करोड़ रुपए का है। अगर 9 स्थल का आप चयन कर रहे हैं और 137 करोड़ का बजट है तो क्या एयर इंडिया का 4 से 5 करोड़ का, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति कर रहा है। आज हमने उसका बजट और बढ़ाया है, पहले 137 करोड़ था राहुल जी, उसका बजट बढ़ा के हमने 152 करोड़ रुपए किया है। हमारी जो है हम पारदर्शिता से प्रश्नों पर नहीं बांटते, ये केंद्र की मोदी सरकार नहीं है। आज मणिपुर में पूरा देश हिंसा में जुड़े है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिम्मत दी है कि संसद में जाके विपक्ष का सामना करें। ये मूलभूत अंतर है। हम मैं बैठा हूँ आपके चेहरे में पूरी जिम्मेदारी से बात को कि हमारे नियत नीति मंशा स्पष्ट है। हमारे राजीव गांधी ने आज जो अयोध्या का राम मंदिर था उसका ताला खुलवाया, हमने वहां पे शिलान्यास किया, लेकिन हम प्रभु श्याम के राजनीति नहीं करते। हमारा राजनीतिक स्वार्थ रोटी सेकने का चरित्र नहीं है, हमारे लिए पूजनीय है छत्तीसगढ़ के प्रभु श्रीराम आस्था का विषय है, हमारी श्रद्धा का विषय है, हमारी राजनीति का विषय नहीं है। ये मूलभूत अंतर है। आज देखिए सबसे महत्वपूर्ण राहुल जी, आज इनका जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने एक संपादकीय में लिखा कि आप हिंदुत्व में राजनीति करने का प्रयास न करें। आज माननीय मोदी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं सकते, जब इनका पितृ संगठन RSS का संपादकीय ऑर्गेनाइजर इस बात को कह रहा है, तब भी भारतीय जनता पार्टी देखिए कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो
बिल्कुल अजय जी, अजय जी इस पर आएंगे, इस पर आपसे चर्चा जरा कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन बीजेपी से भी इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। महेश जी, लगातार आप लोगों की तरफ से आरोप ये लग रहे हैं कि कांग्रेस जो है प्रभु श्रीराम का नाम का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कर रही है, लेकिन आरोप तो आप लोगों पर भी कांग्रेस लगा रही है कि पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने प्रभु श्रीराम के लिए कुछ किया नहीं, कुछ किया है श्रीराम के नाम के लिए तो आप जो है वोट बटोरने की बस कोशिश करते दिखे, उसके अलावा प्रभु श्रीराम के लिए आप कुछ भी नहीं करते हैं। क्या कुछ कहेंगे महेश जी इस पर आप? जी, का जन्म एक विचारधारा से हुआ है, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पे, और भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर जब राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर अभी तक राम के लिए जो लड़ाई लड़ा है पूरा विश्व जानता है। जो नहीं, महेश जी कांग्रेस ये पूछ रही है कि अयोध्या में जी महेश जी, कांग्रेस ये कह रही है कि अयोध्या में आपने राम मंदिर बनवा दिया उसके लिए बहुत बहुत वाहवाही, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो प्रभु श्री राम का एक तरीके से ननिहाल है, जहां पे प्रभु श्री राम ने 12 साल अपना गुजारा है, वहां पे आप लोगों ने क्या किया? 15 साल आप सत्ता में रहे, जैसे अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए आप हल्ला हंगामा कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, प्रभु श्री राम का जो ननिहाल था जहां पे आसानी से एक पर्यटन स्थल के तौर पर जिसे डेवलप किया जा सकता था, वहां पर आपने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, ये कांग्रेस आपसे जरा समझना चाह रही, ये आप कांग्रेस को जरा डिटेल में समझा दीजिए। बता रहा हूं हम लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए हम लोग राम के शरण में गए, राम के काम किए, ऐसा नहीं है। राम के, भगवान राम के जन्म स्थल अयोध्या में जो बाबर के सेनापति मीरबासी के द्वारा मस्जिद बनाया गया, उसको हमने, हमारे जो कार सेवकों ने 5 घंटे में तोड़ दिया और याद बदल दिया। जी बिल्कुल अजय जी, आप अपनी बात रखिए। महेश जी, अजय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। महेश जी अजय जी सवाल दोहरा रहे हैं, यही कह रहे हैं कि जब बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, आप बाबर अयोध्या पर क्यों चले जा रहे हैं? आप छत्तीसगढ़ के बारे में बताइए ना कि आपने छत्तीसगढ़ में क्या किया। जी, का जन्म स्थली छत्तीसगढ़ में भगवान राम का ननिहाल था, और भगवान राम 14 साल का वनवास में 12 साल छत्तीसगढ़ में रहा, लेकिन हमारा राम के नाम पे कोई राजनीति करना या राजनीति रोटी सेकना हमारा उद्देश्य नहीं था। लेकिन आपको बता दो, ये सच में बहुत ज्यादा फनी हो जाता है अजय जी, कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे कि हमने राम के नाम का कभी इस्तेमाल नहीं किया। खैर, उस बात को यहीं छोड़ते हैं अजय जी, लेकिन एक सवाल आप लोगों के लिए भी है कि जिस तरीके से आपने कहा कि हमने एक बड़ा बजट अलॉट किया है श्री राम, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को पूरे विश्व के सामने दिखाने के लिए, चलिए वो सब बात ठीक है, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है जो बीजेपी आज पूरे दिन और इस पूरे फंक्शन के आसपास उठा रही थी, कि जब छत्तीसगढ़ सरकार के पास बजट नहीं है, आप कर्ज लेकर तमाम योजनाओं की पूर्ति कर रहे हैं, तमाम योजनाओं में पैसे दे रहे हैं, तो प्रभु श्री राम के नाम पर ये जो चीज़ें डेवलप हो रही है, क्या इसे भी बनाने के लिए कर्ज ही लिया है, या फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले से एक अलग से बजट का एक हिस्सा अलॉट करके रखा हुआ था कि नहीं भैया इसके लिए कर्ज नहीं लेना, इस पे हम छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से पैसा लगाएंगे। जी, मैं स्पष्ट कर दूं, आज कहीं ना कहीं हमने लगातार, माननीय भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को लगातार पत्र लिखा, आज हमारे हक का पैसा 55,000 करोड़ रुपए आज छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जो केंद्र की मोदी सरकार रोक के रखे, लगातार पत्र लिखने के बाद नहीं देते, और देखिए हमने इसके लिए सेपरेट बजट रखा है, क्योंकि हमारा जो प्रभु है वो प्राथमिकता इन पे राजनीति नहीं। आज बहुत स्पष्ट है, प्रभु श्री राम का 12 साल बहुत बड़ा वक्त है जो छत्तीसगढ़ में बताया, और ये माता कौशल्या की जन्मस्थली है, प्रभु श्री राम को छत्तीसगढ़ मामा भाषा का जो रिश्ता है वो हमारे पूजनीय, हमारे आस्था का विषय है, हम इसमें हाईलाइट नहीं करते, हम राजनीति नहीं करते। अब मुझे आप सब पर ये लग रहा है कि महेश भैया ये बोल रहे हैं, आज पूरा देश जानता है कि सिर्फ 2 लोकसभा सीटों तक सीमित थी भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम की राजनीति करके आप इस तक पहुंचे। देखिए आपने स्पष्ट प्रश्न पूछा, भैया आप 15 साल में सरकार में रहे, आप जय श्री राम का नारा देते रहे, सत्ता की प्राप्ति करते रहे, लेकिन जैसे ही सरकार में आए क्या आपने प्रभु श्री राम के लिए कुछ किया? एक शब्द नहीं है महेश जी के पास बोलने के बाद, तो ये दिखता है कि कौन राजनीति करने का प्रयास करता है। दूसरा देखिए, आज जब ये सत्ता में आए, आप उसकी बात करें कर्ज की, तो मैं आपको आंकड़े स्पष्ट कर दूं, जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, छत्तीसगढ़ जो फंड था 400 करोड़ का सरप्लस था, जब ये 2018 में हटे 41,000 करोड़ का
बहुत लंबा ऋण लिया, आखिर बता दीजिए ये 40,000 करोड़ रुपए का आपने क्या किया। देखिए हमारा जो ऋण है, अगर आप केंद्र की मोदी जो केंद्र की राम अवतार शर्मा जी के नेतृत्व में अयोध्या से रामेश्वरम तक स्थल का चयनित किया गया है, वहाँ राम मंदिर पथ का निर्माण होना था, लेकिन हमारा लक्ष्य पहला था राम मंदिर का आंदोलन, राम मंदिर बनाना, उसके बाद का राम मंदिर पथ बनाना था, हमारा सर्वे हो चुका है। अजय जी आप अपनी बात पूरी करिए, महेश जी का ऑडियो डाउन कर दिया गया, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए तीन उदाहरण दे देता हूँ। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जी, हम पहले 14 स्थल है उसको चिन्हित करके राम मंदिर बनाते, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती, माता कौशल्या का रायपुर से 27 किलोमीटर दूर माता कौशल्या का मंदिर राहुल जी पूरे देश का इकलौता नहीं एशिया का इकलौता मंदिर है, उसके लिए हम प्रयास करते तो उसका विरोध करते। अब हमें रामायण महोत्सव का आयोजन किया ताकि विभिन्न जो विदेशी कलाकार आके प्रदर्शित करते रहे, तभी विरोध करते। कोई भी अच्छा कदम विपक्ष में नैतिक साहस होना चाहिए, अगर कोई सत्ता पक्ष अच्छा काम कर रहा है आप उसकी तारीफ कीजिए, आप सिर्फ उसे राजनीति करने का प्रयास करते। इन्हीं का केंद्रीय मंत्री आज कहीं ना कहीं राम सेतु के अस्तित्व को नकारता है, तब उस पर राजनीति करने का प्रयास नहीं करेंगे। ये अपना जो इनका चरित्र है लगातार ये केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्याम के नाम पर राजनीति करती है। ठीक है अजय जी बिल्कुल आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं से सबक लेने की जरूरत है। खैर महेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, बीजेपी के लिए मेरे पास एक सवाल है कि क्या प्रभु श्री राम अलग अलग है? अगर कांग्रेस कुछ करने की कोशिश करती है आप हायतौबा मचा देते हैं, आप अगर कुछ करने की कोशिश करते तो कांग्रेस हायतौबा मचा देती है, वजह क्या? महेश जी जरा मैं समझना चाहूंगा ये चीज। देखिए वही मैं बोल रहा था कि मतलब हमारा सिर्फ राम के नाम पे राजनीति करना नहीं है, हमारा राम का अस्तित्व को राम का इतिहास को संजोए रखना है। भगवान राम ने स्कंद पुराण में एक श्लोक है, भूयो भूयो भाविनो भूमि पाला नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र सामायण एवं धर्म सेतु कार्य नराणाम काले काले पालो। भगवान राम ने स्वयं कहा है मेरे बनाए हुए पुल को ये भविष्य के राजाओं आप सुरक्षित रखो, लेकिन पीओपी के सरकार में इनके कांग्रेस के सरकार राम सेतु तोड़ा जा रहा था, इन्हीं के सरकार के लोग जो हलफनामा दायर किया था तो राम को काल्पनिक बताया था। और रही बात छत्तीसगढ़ की बात आपको बता रहा हूँ, राम सेतु के अस्तित्व को नकार दिया, उस बारे में कुछ बोल दीजिए। वनगमन शोध संस्थान के नाम से नई दिल्ली में हमारा एक केंद्र है, उसके माध्यम से राम अवतार शर्मा जी का एक आपको मैं बुकलेट पुस्तक दिखा दूंगा, अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक चिन्हांकित किया गया था 2007-08 में, और अयोध्या का राम मंदिर जैसे ही बनेगा वैसे ही हमारा अयोध्या से रामेश्वरम तक राम वनगमन पथ का निर्माण होना था। आपको मैं बुकलेट अभी का पुस्तक नहीं, महेश जी फिलहाल तो हम लोग फोन डिबेट पर रहे तो बुकलेट तो देख नहीं सकते, लेकिन एक सवाल ये सबसे बड़ी बात ये है जो वापस से मैं अपने सवाल को दोहरा रहा हूं महेश जी कि क्या अगर कांग्रेस कुछ करने की कोशिश करे, चलिए मान लिया बीजेपी की बात को अगर मान लेते हैं कि कांग्रेस ने आज तक प्रभु श्रीराम के लिए कुछ भी नहीं किया, उनके अस्तित्व के लिए कुछ भी नहीं किया, पहली बार चलिए मान लेते हैं कि कांग्रेस ने कुछ करने की कोशिश की, तो आप उसका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हर चीज में एक तरीके से खामी निकालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जी उनका उद्देश्य को हम लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जैसे मारिच ने भगवान राम के सीता मैया के पास मृग बन के गया था लेकिन राम का नाम लिया था, ऐसे ही मृग के रूप में जाके राम का नाम लेना कोई राम का भक्ति नहीं होता। चलिए ठीक है शुक्रिया महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया अजय खंगवानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु श्री राम जो भारत के रोम रोम में बसते हैं, आज प्रभु श्री राम के नाम पर सियासत हो रही है इस देश में। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी बातों को सुनकर यही लगता है कि प्रभु श्री राम के मायने अलग अलग हैं तमाम राजनीतिक दलों के लिए। कहानी ऐसी लगती है कि प्रभु श्री राम मेरे हैं, प्रभु श्री राम तुम्हारे हैं, यानी हर राजनीतिक दल के लिए राम अलग अलग है। सवाल ही यही है कि क्या सच में प्रभु श्री राम अलग अलग है? अगर बीजेपी कुछ करती है तो कांग्रेस सवाल उठा देती है, अगर कांग्रेस कुछ करती है तो बीजेपी सवाल उठा देती है। कहानी बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि प्रभु श्री राम के नाम पर आज की तारीख में देश में सियासत से ज्यादा कुछ भी नहीं होता।